यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं मानेगी मेरी मम्मी। भाई यार रामलीला तो अच्छी चीज है, क्यों नहीं मानेगी आंटी जी, एक बार बोल के तो देख। अरे हाँ यार पता मुझे भी है कि रामलीला अच्छी चीज है, देखने की चीज है, ये बात तो मेरी मम्मी को भी पता है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे नहीं जाने देगी क्योंकि मेरी मम्मी को हम पर भरोसा ही नहीं है। अबे यार मम्मी को मनाना पड़ता है, मम्मी मानती थोड़ी ना है, तो मम्मी को मना। ना भाई देख मैं नहीं मनाऊंगा मेरी मम्मी को, बेपाल तुम्हें मार मार देगी। अरे भाई तेरे से नहीं मनाई जा रही तो हम मनाएंगे, हम किस लिए बैठे हैं? तुम मना लोगे? अरे भाई अक्सर अंटिया ना पड़ोस वाले बच्चों की बात मान लेती है अपने बच्चों से ज्यादा, इसलिए हम मनाएंगे आंटी को। तो फिर ठीक है तुम मार लो एक ट्राई, मैं कब मना कर रहा हूँ, मान गई तो अच्छी बात है, वरना मुझे तो दिवाली की सफाई करनी है। ठीक है ओके। ठीक है आ जाओ। आंटी हम ना रामलीला देखने जा रहे हैं, प्लीज सुमित को भेज दो ना हमारे साथ। नहीं नहीं मैं नहीं भेजूंगी, त्योहारों का टाइम चल रहा है, कोई ऊंच नीच होगी तो। आंटी जी कुछ नहीं होगा, हमारे घर वालों ने भी तो हमें भेज दिया ना, आप भी भेज दो सुमित को। हाँ हाँ आंटी कोई ऊंच नीच नहीं होगी, आप आराम से भेज दो उसको। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है रामलीला का नाम लेके मूवी देखने चले गए तो। अरे नहीं आंटी मम्मी कसम हम रामलीला ही देखने जा रहे हैं। मम्मी अगर सुमित भैया जाएंगे ना रामलीला देखने तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। अरे तू टेंशन मत ले, कहीं नहीं जाने दूंगी, तू चुपचाप अंदर चल और घर की सफाई करवा। जी, जी। अरे मम्मी आप चिंता मत करो, मैं घर की सफाई करवा दूंगा और आने के बाद मैं पूरी मैं कर दूंगा घर की सफाई, बस अभी आप मेरे को जाने दो इनके साथ। मैंने एक बार मना कर दिया ना नहीं जाना, तो अंदर चल। मम्मी प्लीज जाने दो ना। जा रही है यहीं पे धुलाई करूं तेरी। तुम है ना ऐसे नहीं मानोगे, रुक जाओ। भाई यार आ जाना, तेरे बिना रामलीला देखने में मजा ही नहीं आएगा। हाँ भाई आ जाना। हाँ हाँ यार आ जाना प्लीज। हाँ पता है वो तो मेरे को भी जैसा मन नहीं लगेगा तुम्हारा, और कैसे आ जाऊँ, मेरी मम्मी का देखा नहीं गुस्सा तुमने, कैसे भगाया तुम लोगों को अभी। नहीं नहीं हमें नहीं पता, कुछ भी कर पर आ जा तू। कैसे आ जाऊँ तुम ही बता दो, बताओ कैसे आऊँ। अरे यार कोई जुगाड़ कर लेना। हाँ भाई कुछ जुगाड़ लगा। जुगाड़ क्या जुगाड़? एक मिनट लग गया जुगाड़। ओए तेरे शैतानी दिमाग ने क्या जुगाड़ लगाया है बताना, जल्दी बताओ भाई। अरे बताने का टाइम नहीं है, ये दिखाने का टाइम है, तुम बस देखो। देखे कहाँ देखे? अरे मेरे घर की तरफ देखो। जी हाँ मैं हूँ खलनायक। रौनक इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई कि ये फांसी लगा रहा है। अरे पागल वो फांसी नहीं लगा रहा, वो जुगाड़ लगा रहा है। ओ देखा भाई आ गया ना मम्मी से बच के। चलो अब रामलीला देखने चलते, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो, चलो ना। चलो भाई सही है बेटा, जा जा अभी बताता हूँ मम्मी को। ये देखो मम्मी। हे भगवान हमारे घर में चोर घुस गए। अरे नहीं मम्मी यहाँ से तो सुमित भैया भागे हैं। हैं सुमित? हाँ मम्मी, और सोचो अगर वे ऐसे गिर जाते, उन्हें चोट लग जाती, हाथ पैर टूट जाते, वो मर जाते, और मरने का तो छोड़ो अगर वो ग्रिल टूट जाती तो कितना खर्चा आ जाता मम्मी, मोटा खर्चा बैठ जाता। सुमित तू सही कह रहा है, आने दे आज उसको, उसकी है ना हड्डी पसली एक कर दूंगी, आज उसकी दही तोड़ूंगी अच्छी तरह से। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। भाई कितना मजा आया ना मेले में घूम के। सही मजा आ गया भाई रामलीला देख के आज तो। हनुमान तो बहुत मोटा था। मम्मी मुझे तो सब्जी लानी थी भूल गई मैं। रौनक त्रिकिने पे ना भी आया। रौनक तो यही था। मम्मी मेरे को भी आया था, मेरे को भी घर जाना है। रुक यही तो है तेरा घर।
हाँ घर तो यही है, लेकिन इस घर में आज मेरे को मार पड़ेगी तो मैं दूसरे घर में जा रहा हूँ। अरे रुकना, कौन कह रहा है मेरे लाडले, तुझे इस घर में मार पड़ेगी? तू तो मेरा लड्डू गोपाल है, तुझे मैं क्यों मारूंगी? है मम्मी, मतलब आप मेरे को नहीं मारोगे? नहीं। फिर ठीक है, आ जा, तू तो मेरा लड्डू गोपाल है ना, मैं क्यों मारूंगी तेरे को? नहीं मारोगे ना? नहीं नहीं। अरे मेरे को तो पता ही था मम्मी आप किसी। सफाई तो करवा रहे हो पर है ना, अच्छी तरह से करना। अरे मम्मी अगर कर ही रहे हैं तो अच्छे से ही करेंगे। फालतू में बस रोप जमाना होता है मम्मी को। नमस्ते आंटी जी, हैप्पी दिवाली। लगता है मिठाई आ गई। हैं? ये तो हर बार की तरह सोन पापड़ी लाया होगा। अरे यार ये तो पक्का सोन पापड़ी लाया होगा। हर बार का हो गया इसका, इस बार कुछ करना पड़ेगा। मम्मी देखना, ये हर बार सोन पापड़ी लेके आ जाता हमारे घर। और मम्मी हम इनके घर देखो कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाई लेके आते हैं, और ये हर बार सोन पापड़ी ले आता है। हाँ हम कितना पैसा खर्च करते हैं, और ये देखना एक सस्ती सी मिठाई ले आता थोड़े से पैसे लगा के, और इसकी शक्ल पे देखो, इस बार भी इसकी शक्ल पे यही लिखा कि इस पैकेट में ना सोन पापड़ी ही होगी। हाँ बेटा ये बात है ना, तुम सही कह रहे हो, हम कितनी महंगी महंगी मिठाइयाँ दे के आते हैं इनके घर पर ये हर बार हमें सोन पापड़ी दे जाते हैं। बस बहुत हो गया, अब सहन नहीं होगा। हाँ तो अब मम्मी, अब तू देख मेरा कमाल। हाँ तो दिखाओ। छोड़ दो, क्यों मार रहे हो? चलो मम्मी अब चलते हैं, हिसाब बराबर। रुको, कम से कम ये तो बता दो मुझे मारा क्यों, मैं तो मिठाई देने आया था। अच्छा अब तक तुझे ये पता नहीं चला कि तुझे मारा क्यों है? इस मिठाई के लिए मारा, हर बार हमारे घर में सोन पापड़ी दे जाता है, हम इतना पैसा खर्च करके तुम्हें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देते हैं, और तुम क्या ये सस्ती सी सोन पापड़ी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? और इस बार भी हमें तेरी शक्ल पे दिख गया था कि इस पैकेट में सोन पापड़ी है, इसलिए तेरे को पेल दिया, सारा हिसाब बराबर कर लिया, पैसे वसूल लिए सारे। इस बार मैं मम्मी से लड़के पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे लिए काजू कतली लेके आया था। काजू कतली? सच बोल रहा है तू? ये देख। तुम दोनों ने ना इसको खाम खा पिटवा दिया। आ जा बेटा, आ जा, आ जा। अरे सॉरी भाई, अब मान भी जा। देखा मैं क्या पता था, हमें तो लगा तो सोन पापड़ी लेके आया होगा हर बार की तरह। और वैसे भी भाई तू तो बहुत अच्छा है, ये ले पहले ये खा। हाँ देख, पता है सारे सोन पापड़ी दे के जाते हैं इस मोहल्ले में, बस तू ही एक जिसने ये हिम्मत दिखाई है, पैसे लगाए, काजू कतली दी है। हाँ। ले 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 खा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वेलकम बैक आवाज समाचार में। अब और कुछ खबरें आपको बताते हैं। राजधानी में इस साल भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री और जलाने पर बैन रहेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, आसपास के राज्यों में भी पटाखों पर बैन लगाने की अपील की गई है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया गया है। मम्मी क्या है? पैसे दे दो हमें। पैसे किस लिए? मम्मी दिवाली है, पटाखे लाएंगे। बेटा पैसे तो मैं दे दूंगी, पर पहले ये न्यूज तो सुन लो, सरकार ने ना पटाखे बैन कर दिए। हैं? बैन कर दिए सरकार ने? तो कोई बात नहीं, फिर भी हमें पैसे दे दो, हम अपने आप ले आएंगे। अच्छा तो लाओगे कैसे? किसी भी दुकान पे नहीं मिलेंगे? अरे मम्मी हम अपने आप ले आएंगे, आप पैसे दे दो। नहीं मैं नहीं दे रही। अरे मम्मी ऐसे मत करो, पैसे दे दो, पड़ोस में सारे बच्चे पटाखे फोड़ेंगे, हमारी छाती पे मूंग दड़ेंगे। फिर दिवाली है तो मिठाई खाओ, नए नए कपड़े पहनो, ये क्या है कि बम पटाखे छुटाओगे? जब सरकार ने बैन कर दिया तो मैंने भी बैन कर दिया। नहीं मिल रहे तुम्हें पैसे, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं हम तो पटाखे फोड़ेंगे, पैसे दे दो हमें। बहुत खा लिया हमने मिठाई। मैं सरकार के साथ हूँ, सरकार ने बैन किया तो मैंने भी बैन किया है, समझे? जाओ ऊपर। नहीं दोगे पैसे? नहीं दूंगी। पक्का नहीं दोगे? हाँ पक्का। देख लो। देख लिया, क्या कर लेगा? करना क्या है, ऊपर चला जाऊंगा। चलो
बढ़िया हुआ मेरे तो पैसे बच गए। गतिक भाई यार, ये पटाखों के लिए पैसे तो मम्मी ने दिए ही नहीं, अब पटाखे कैसे लेके आएंगे? हाँ भाई सही कह रहे हैं, ये जो हमारे पड़ोसियों के बच्चे हैं, ये तो पटाखे जलाएंगे और हम अंदर से जलेंगे। ठीक कह रहा है। तेरे पास नहीं है क्या थोड़े बहुत पैसे, उनसे ले आए पटाखे? मैं भाई चीज में खर्च कर देता हूँ, तेरे पास होंगे? तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो कैसे करे पैसों का जुगाड़, आगे तो लेके आने हैं। ये कभी काम आता है हमारी? आज तक नहीं आई। घर वालों ने तो पढ़ने के लिए दिलाई थी और पढ़ते हम है ही नहीं। तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ? भाई तू जो सोच रहा है ना वो एकदम सही सोच रहा है। ये देखो भैया, इसका कितना दे दोगे? इसका 20,000। 20,000? अरे बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, इतना कम? अरे भाई कम कहाँ है, पटाखे तो आई जाएंगे इतने में। इतने में चल जाएगा काम? चल जाएगा भाई। अरे रखो रखो, चलो 20,000 ही दे दो। सही है, पागल है बड़ी। अरे सारे दे दो ना, 100-200 से ऊपर नीचे क्या जा रहा है, चल। भाई मेरे को भी दिया दे, कहीं तू लेके भाग गया तो। ये ले बेईमान, चल। अरे भैया आते रहना, लुटते रहना, हमारी दुकान चलाते रहना। यार हमें पैसे तो मिल गए लैपटॉप बेच के, अब पैसों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अब पटाखे कहाँ से मिलेंगे? अब दुकान से आएंगे पटाखे। तू पागल है क्या, सरकार ने पटाखे बैन कर रखे हैं, तो पटाखे दुकान पे कैसे मिल जाएंगे? ढूंढना पड़ेगा कहाँ से मिल सकते हैं पटाखे। कतिक मेरे को लग रहा है पैसों के चक्कर में कर रहा है, इसकी नीयत खराब है, पैसे छुपा ले। हाँ बोलो। पटाखे चाहिए है? हाँ पटाखे चाहिए। धीरे बोलो धीरे। अच्छा अरे इतना धीरे भी मत बोलो कि मुझे भी सुनाई ना दे, लिप सिंक करने को थोड़ी बोला मैंने। अच्छा हाँ पटाखे चाहिए, अब ठीक है ना? चलो मेरे साथ, चल चल चलो चलो। देख गतिक बात सुन मेरी, मम्मी के सामने ना बिल्कुल शरीफ बच्चा बन के रहियो, कुछ भी उल्टी सीधी बात मत करियो, ठीक है? ठीक है। ता, ता, ता। पक्का तुम बम पटाखे चला के आए हो? कहाँ से लाए हो बम पटाखे? अरे मम्मी वो तो हम पैसों के लेके आए हैं, पूरे 20,000 के। 20,000 के? इतने पैसे कहाँ से आए? अरे मम्मी लैपटॉप बेच दिया। लैपटॉप बेच दिया? अबे बेवकूफ, ये सब मम्मी को थोड़ी ना बताना था, मैंने क्या समझाया था तुझे? भाई आपने कहा था सीधा साधा बच्चा बन के रहियो, अब सीधा शरीफ बच्चा तो सच ही बोलता है, तो मैंने सच बोल दिया। तो अब भुगत।
अरे डिग रहा, अबे अबे ठठेरे इधर देख। ओ क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है? अबे तू अंधा बंदा है क्या? हैं, तेरी आंखें नहीं है, दिखता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं? लाइटें लगा रहा हूँ। और वैसे तू क्या कर रहा है? अब लगता है तू अंधा है, दिख नहीं रहा, मैं भी लाइट लगा रहा हूँ। कहाँ है तेरी लाइट, है कहाँ, दिख ही नहीं रही मेरे को तो। अबे तू सच में अंधा है क्या? ये री दिख नहीं रही तेरे को? क्या 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 क्या, ये लाइट दे रही है, ये इतनी से लाइट एक हाथ की? अबे लाइट लेके आया है, पजामे का नाड़ा लेके आया है। अबे यार दीवाने पे इतनी छोटी लाइट कौन लगाता है, वो तो तेरी उससे भी छोटी है। क्या 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 बोला, किसे? तेरी सोच से भाई, सोच। बात तेरी ये भी ठीक नहीं है, लेकिन सही तो है यार, बढ़िया तो है। अबे अक्कल के अंधे, इसे लड़ी नहीं बोलते, लड़ी बोलते इसे। ये देख कहाँ है लाइट, दिखाई नहीं दे रही। अबे अंधा है क्या, अभी भी दिखी? अरे यार अब देख, एक दो तीन। ओहो देख कितनी लंबी, कितनी लंबी। देख तू चिंदी चोर है, और तेरा पूरा खानदान भी चिंदी चोर है, था और रहेगा। अबे साले तूने चिंदी चोर कैसे बोला बे? बोला कैसे, तू है चिंदी चोर बोलूंगा? ओ ये तेरे लिए ना ठीक नहीं होगा, तू फालतू बोल रहे तो। अबे तो जो करना ना वो कर लियो, और हिम्मत है ना तो हाथ लगा के दिखा दे। ले लगाना, ले 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 लगाना हाथ, ले ले लगा। हाथ नहीं लगाता मैं गंदी चीजों को, और तेरे को ना ऐसे जवाब नहीं दूंगा मैं, तेरे से बड़ी लड़ी ला के तेरे को जवाब दूंगा। लंबी लड़ी इधर देखियो, इससे भी लंबी लड़ी ले आएगा तू? अबे सपने देख रहा है क्या है? अगर हिम्मत है ना तो बड़ी लड़ी ला के दिखा दे जा। अच्छा ऐसी बात है, अभी ला के दिखाता हूँ, अभी राइट नाउ। जाना मेरे को रोक ले, मैं जा रहा हूँ, ले आऊंगा मैं। अब तो जाना, देख ले रोक ले, अभी अभी भी तेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं ले आऊंगा। अब तो जा रे, तेरी बहन की अभी लेके आ। मेरे से बड़े लाइट लेके आएंगे, लाइट लगा तो लू इतने। क्या घूर रहा है, चुम्मी लेगा मेरी? ये इतनी गंदी शक्ल है तेरी, तेरी चुम्मी लूंगा मैं। हट बोले, क्या चाहिए? चाहिए नहीं, तेरे को दिखाना है तेरे से लंबी लड़ी। ओ तो लिया है इसका मतलब? अभी देखियो मेरी लड़ी इतनी लंबी है ना, उसकी रोशनी देख के तेरी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। सच में कहीं मंदा तो नहीं हो जाऊंगा भाई? हो सकता है तो अंधा भी हो जाए, आंखें बचा के रखियो। 1 2 3 क्यों खिलाड़ा? ये लड़ी है हाँ? ये लड़ी बड़ी है। और क्या, ये बड़ी लड़ी है? बला, 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 ये बड़ी बला, है बला। हाँ। तो फिर ये क्या है भाई? 1 2 इसकी आँख। अबे यार तेरी लड़ी तो छोटी थी, इससे बड़ी कैसे हो गई? तूने तो लड़ी का सांप बना रखा है, तेरे पास इतनी बड़ी लड़ी कहाँ से आई? अबे ओ भाई पैसा भुकाओ, पैसा पैसा, समझ गया क्या? पैसा भुका रखा इसके अंदर मैंने। अभी देखियो तेरे से बड़ी लेके आऊंगा। अरे यार तू मेरा टाइम खराब मत कर, समझा? तेरे बस की नहीं कुछ भी। अच्छा मेरे बस की नहीं है? नहीं है। और एक बात और सुन ले, तू चिंदी चोर है, चोर। एक तो ये चिंदी चोर बोलना बंद कर मेरे को, समझा? अब की बार देखियो बड़ी लड़ी लेके आऊंगा, और टाइम बर्बाद नहीं कर रहा तेरा। अगर अब की बार मैं ना ला पाया ना, तो फिर देखियो मेरे सारे पटाखे सारी मिठाई तेरी। पक्का? हाँ। लेकिन एक बात और है, अगर मैं ले आना तो तुझे देने पड़ेंगे। बता, शर्त मंजूर है तो? हाँ ठीक है दे दूंगा। ठीक है तो अभी लेके आ। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, गई मैं हार गया तो मिठाई बम पटाखे सब कुछ देना पड़ जाएगा मुझे। तो क्या है बोलना? अबे बोलने नहीं आया मैं, इस बार दिखाने आया हूँ, समझा? पहले तू दिखा। अरे यार थक गया यार मैं तो। ले देख ले सांप बना रखा, भूल गया क्या? अभी देखे इतनी बड़ी लड़ी सपने में भी। ओ ओ रुक जा बंद कर अपनी ये बकवास, समझा? ये कोई लड़ी है, है? यही उठा के घूम रहा है। मैं दिखाता हूँ तुझे लड़ी, इसे कहते हैं लड़ी। तो लड़ी है? अरे तार का बंडल है भाई ये, मेरा पागल बना रहा क्या? इसी से मैं लाइट जोड़ी है अपनी। डट जाओ गरीब, तभी भगवान से दुआ करता हूँ कि किसी को गरीब ना बनाए। इन गरीबों को पता तो नहीं होता कि बड़ी लड़िया ऐसे बंडल में आती है। तो अपनी बात क्यों कर रहा है गरीब वाली? अच्छा अभी दिखाता हूँ तेरे को, ये देख तो। ये देख इसकी बहन की डिंग डिंग।
अबे इतनी बड़ी लड़ी कहाँ से ले आया तू? तू तो गरीब हुआ करता था। अरे गरीब नहीं, हम पैसा पोकर का मोटा पैसा, समझा? भाई इतना पैसा कहाँ से ले आया? देख रहे चलती आ रही है तो भाई। अब ये बातें बनानी बंद कर और शर्त के मुताबिक जो बात हुई थी ना वो पूरी कर। कौन सी बात भाई, कौन सी बात? अबे मिठाई और पटाखे की, चुपचाप ले आ। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई भाई। मैं रैपिड दे दूंगा। हाँ दे रहा हूँ ना। क्या हुआ? ओ माय गॉड, ओ भाई वो देख पीछे, सेवन शॉट स्काई शॉट। तेरी बहन कहाँ है? कहाँ है स्काई शॉट? कहाँ है? अबे दिखाई। ये कहाँ चला गया? ओ मेरे मम पटाखे और मिठाई देके जा, रुक तेरे को मैं बताता हूँ। साले बच्चों चलो दीवे लगाएंगे। दिए? बस मम्मी इस बार आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम लगाएंगे। हम लगाएंगे? तुम लगाओगे? पक्का? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? अरे बिल्कुल नहीं मम्मी, चलना भाई लगा के। काफी देर हो गई, अभी तक नहीं आए ये बच्चे, जाके देखना पड़ेगा कभी मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मम्मी सारा तेल नीचे गिर गया और सारी बात वगैरह सब खराब हो गया। मुझे पता था कि तुम है ना कुछ गड़बड़ कर पाओगे। अब एक काम करो, कुछ हाथ पर हिलाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर दूंगी। ठीक है। मम्मी वैसे एक बात बताओ, हम दिवाली मनाते क्यों हैं? नालायक तेरे को ये भी नहीं पता? नहीं पता तभी तो पूछ रहा हूँ। तू बेइज्जती कराएगा किसी न किसी दिन। मैं बताता हूँ, दिवाली ना बम फोड़ने के लिए और दिए जलाने के लिए मनाई जाती है। तुझे भी नहीं पता नालायक कहीं का। मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। इस दिन है ना श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए थे 14 वर्ष का पूरा वनवास काट कर, और उस खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे और उनका स्वागत किया था। बस हम भी उसी दिन से घी के दीपक जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। चलो हाथ जोड़ो।